अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर ऊना पुलिस ने स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया है। बच्चों ने स्कूलों में नशे की बात स्वीकार करते हुए पुलिस के अभियान की प्रशंसा की है। पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे पर लगाम लगाने की रणनीति पर भी कार्य किए जाने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर ऊना पुलिस ने स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने जिला के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत मंडल स्तर पर स्कूली बच्चों की भाषण पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं करवाई और प्रत्येक मंडल से चुनिंदा बच्चों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बच्चों ने अपने स्कूल में भी नशे के पैर पसारने की बात स्वीकारते हुए पुलिस के इस अभियान की प्रशंसा की। इससे कुछ हद तक नशे पर अंकुश लगाने की बात भी उन्होंने दोहराई। बच्चों ने इस दौरान नशे पर कविताओं के जरिए प्रहार किया और कहा कि नशे के कारण ही युवा हथियार उठा रहे हैं। ये प्रयास जो पुलिस वालों ने किया है बहुत ही अच्छा है। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे जो ड्रग से एडिक्टेड हो रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ वालों को देख के थोड़ी सी शिक्षा मिल रही है कि हाँ, हमें भी इनसे दूर रहना चाहिए। और दूसरे, जिन बच्चों में टैलेंट है, जो कॉन्फिडेंस है बोलने का, जिस टॉपिक पे वो बोलना चाहते हैं, वो एडमायर कर पा रहे हैं और अपने आप को ओपनली अपने व्यूज़ को दिखा पा रहे हैं, सबसे रहना चाहिए जारी, ताकि जो बच्चे एटलीस्ट जो स्कूल लेवल के हैं, जो प्लस वन और प्लस टू के बच्चे मोस्ट प्रोबेबली जो एडिक्शन जा रहे हैं ड्रग्स की, तो ताकि उन्हें तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता लगे, ताकि अगर हमारा यूथ अभी से रुक जाएगा ड्रग्स के लिए तो आगे भी ऑफकोर्स सेफ ड्रग्स रहेगी। जब गली गली और गांव गांव ज्ञान का दीप चल जाएगा, जब गली गली और गांव गांव ज्ञान का दीप चल जाएगा, सच कहती हूँ मान्यवर, नशे से हर युवा का बंधन ही घट जाएगा। जब राष्ट्रहित पुलकित शंखनाद हो जाएगा, जब राष्ट्रहित पुलकित शंखनाद हो जाएगा, सच कहती हूँ भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। वहीं पुलिस अधिकारी इस अभियान के जरिए नशे की जड़ पर प्रहार करने का दावा कर रहे हैं। पुलिस युवाओं को जागरूक कर नशे के आदि लोगों की मानसिकता पर भी चोट करना चाहती है। जबकि हिमाचल पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे पर अंकुश लगाने की रणनीति भी बनाई है। इंटरनेशनल ड्रग डे जो आज मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में पुलिस ने पिछले एक सप्ताह से थाना लेवल पे सभी स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करके एक अभियान चल रहा है, जिसमें डिबेट, एसे राइटिंग और पेंटिंग के ऊपर कंपटीशन करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने आज एक सुबह रैली निकाली है, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और लोगों को नशा के बारे में जागरूक किया है। और आज पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरह का कंपटीशन, जिसमें तकरीबन 40-42 बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मकसद पुलिस का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बुराई के बारे में अवेयर किया जाए। और पुलिस वैसे नशे के ऊपर साइमल्टेनियसली मुकदमे भी दर्ज कर रही है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो कि इस धंधे में लिप्त है। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसमें कि जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर और रूपनगर, उसके साथ हमने पहले ही मीटिंग की हुई है और ऐसा ऑपरेशन हमने बॉर्डर एरिया में पहले भी चलाया है। और इस तरह का अभियान ज्वाइंट ऑपरेशन पंजाब पुलिस के साथ पुलिस जिला पुलिस ऊना जो आगे भी जारी रखेगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।